नितिन को उसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो पिछली बार जब सैंडरसन प्लेटफॉर्म पर गया था तो फायर सोर्स सिटी उसी के पीछे में पड़ती है, और जो भी फायर सोर्स सिटी से होते हुए गुजरता है तो वह वहाँ पर रेस्ट लेने के लिए रुकता है, और क्योंकि वहाँ पर अनगिनत यात्री आते हैं इसीलिए वह जगह भी थोड़ी बहुत फेमस है। नितिन की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने आराम से जवाब दिया, हाँ प्रिंसिपल नितिन आप सही कह रहे हैं, वह सेंट असेसर प्लेटफॉर्म के पास में ही स्थित है जहाँ पर मास्टर से सेंट असेसर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर संत लेवल पर पहुंचे थे, और वो डोमेन वही भी पास में है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध हो सकता है। लेकिन हमें इस अभी से इसके ऊपर कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, तो उसी के बाद में हम उसके ऊपर कोई फैसला करने में कामयाब हो पाएंगे कि आखिरकार डोमेन और सेंट असेसर प्लेटफॉर्म के बीच में क्या मामला है और इन दोनों के बीच में कोई संबंध है या नहीं। और मेरे पास में उस डोमेन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है इसलिए मैं भी आप लोगों को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। हेड आदर्श की बात सुनते हुए सभी ने अपने अपने सिर हिला दिए क्योंकि उन्हें भी हेड आदर्श की बात समझ में आ गई थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मास्टर शेख के बारे में कोई भी बात इतनी आसानी से नहीं बता जा सकती क्योंकि मास्टर शेख एक सुप्रीम मास्टर टीचर थे, इसीलिए उनके बारे में कुछ भी ऐसे बिना सोचे समझे बोल देना इन सब के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन अचानक से हेड आदर्श को कुछ याद आता है और वो भीड़ की तरफ मुड़ते हुए हंसते हैं और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में कहते हैं, मुझे कुछ याद आया, सेंट असेसर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी को पता है कि मास्टर शेख संत लेवल पर पहुंचे थे, और आप सभी को ये भी पता होगा कि मास्टर शेख ने अपने बॉस से लेख वहाँ पर पीछे छोड़े थे और उनके अंदर बहुत से राज छिपे हुए थे और किसी को भी पता नहीं था कि उनके अंदर ऐसे कैसे राज हैं। लेकिन मुझे 3 महीने पहले ही कुछ पता चला था कि किसी एक मास्टर टीचर ने वहाँ पर जाकर उन सभी लेखों के वास्तविक अर्थ को उजागर किया था, जिससे वहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर बहुत बड़ा हंगामा मच गया था। उन सभी बातों को कहते हुए हेड आदर्श का चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो गया था। उन्होंने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में सभी से कहा, मैं सभी को बताऊं तो मेरा एक बार उनसे मिलने का एक सपना है, अगर मैं उनसे मिल लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और सच्ची अगर यह संभव हुआ, अगर उन्होंने मेरे को अपना शिष्य बना लिया तो मैं खुशी खुशी उनका स्टूडेंट बन जाऊंगा, क्योंकि मैं भी उस व्यक्ति से बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ जिसने मास्टर शेख के उन लेखों के अंदर एक गलती निकाली। आखिरकार ऐसा कौन ही होगा जो मास्टर शेख द्वारा स्वीकृति हासिल कर पाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ उनकी इस तरह के व्यवहार को देखते हुए सभी मास्टर टीचर्स और उस हॉल के अंदर इकट्ठा हुई भीड़ अचंभे में पड़ गए। उन्होंने देखा कि हेड आदर्श का चेहरा इतना ज्यादा लाल हो गया था, उनको ऐसा लग रहा था कि कभी भी हेड आदर्श का चेहरा पूरी तरह से फट सकता है, क्योंकि हेड आदर्श की आंखों के अंदर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी जब वह उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जिसने मास्टर से के उन लेखों के अंदर गलतियां निकाली थी। लेकिन हेड आदर्श की ऐसी बातों को सुनने के बाद में प्रिंसिपल इवान का चेहरा भी देखने लायक था, वह तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे, वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे उनकी बातों को सुनते सुनते। लेकिन जैसे ही हेड आदर्श ने देखा कि प्रिंसिपल विवान का चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया है और वह कोई सोच विचार कर रहे हैं, तो हेड आदर्श ने उनसे पूछा, प्रिंसिपल विवान आपको क्या हुआ, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं, आपके चेहरे के ऊपर साफ साफ कंफ्यूजन देखी जा सकती है, क्या आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप तो वहाँ के हेड भी तो हैं और आपको वहाँ के लीडर बना दिया गया है, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इतने समय से उस जगह के लेखों के बारे में जान नहीं सके, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति आया और उसके बारे में आपको सब कुछ समझा दिया, उसके बारे में तो आपको खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप अभी उदास क्यों हैं। हेड आदर्श की बातों को सुनने के बाद में प्रिंसिपल विवान का चेहरा लाल हो गया और खांसने लगे। उसी साथ में उनकी निगाहें इधर उधर देखने लगी, वो पता नहीं कोई चीज ढूंढ रहे थे, अब उनके बर्दाश्त से बाहर था उस चीज को छुपाना। उन्होंने पहले हेड आदर्श को समझाया, हेड आदर्श मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ शायद उससे आपको कोई झटका लग सकता है, तो प्लीज आप अपने आप को संभाल के रखना। प्रिंसिपल विवान ने हंसते हुए और एक हिस्टिचार के साथ में हेड आदर्श से कहा, हाँ क्या बताना चाहते हो, चिंता मत करो मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूँ, मेरे को कोई झटका नहीं लगने वाला। हेड आदर्श ने कहा, नहीं नहीं आपको झटका लग सकता है इसलिए आप थोड़ा सा संभल के रहना, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो इसी हॉल के अंदर है और ठीक आपके सामने खड़ा है,
और प्रिंसिपल इवान की बात सुनने के बाद में हेड अदर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने वापस से पूछा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या इस हॉल के अंदर वो व्यक्ति खड़ा है? तो आप मेरे को बताइए कि आखिर वो है कौन, या फिर आप केवल मेरे मजे लेने के लिए ही ये सब बातें कह रहे हैं? नहीं नहीं मैं ऐसी बातें क्यों कहूंगा। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वो आपके सामने खड़े प्रिंसिपल नितिन है। क्या 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 कहा आपने वापस से कहना? मैंने कहा आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना प्रिंसिपल नितिन, वही वह व्यक्ति है जिन्होंने मास्टर सेट के उन सभी लेखों के अंदर गलतियां निकाली थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन सभी शब्दों को सुनने के बाद में हेड अदर्स के सर के बाल उड़ गए और वह मौके पर ही बेहोश होने वाले थे। आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज साफ साफ बता दीजिए, क्या आप सही में सही कह रहे हैं? क्या प्रिंसिपल नितिन ही है जिन्होंने मास्टर सेट के उन सभी लेखों के अंदर वह सभी गलतियां निकाली थी? लेकिन उन दोनों की इस तरह के हैरान चेहरों को देखने के बाद में नितिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार अब उसको करना क्या चाहिए, क्योंकि अभी उसके सामने जो हेड अदर्स खड़ा था वो इतनी देर पहले तो नितिन का मजाक उड़ा रहा था और उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वही कह रहा है कि मेरा वो शिष्य बनना चाहता है। तो अब मेरे को करना क्या चाहिए? क्या इसको सही में अपना शिष्य बना लेना चाहिए? नितिन इसी उलझन के अंदर पड़ा हुआ है। नितिन ने अपना माथा पीट लिया, आखिरकार मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? हर बार मैं मुसीबत के अंदर फंस जाता हूँ, मैं एक मुसीबत से नहीं निकलूं दूसरी मुसीबत के अंदर फंस जाता हूँ। इस बारे में सोच रहा था कि अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं। मास्टर सेक के उन सभी लेखों के अंदर किसी को कोई गलतियां नहीं लगती थी और उन सभी ने मास्टर सेक को एक अपना दिव्य गुरु मान लिया था। उनको वर्ल्ड का मास्टर टीचर भी कहा जाता था, इसीलिए सभी मास्टर टीचर्स और लड़ाकुओं को ये लगा करता था कि मास्टर सेक द्वारा जो पीछे टेक्निक्स छोड़ी गई है उसके अंदर कोई भी गलती नहीं होगी, इसीलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ट्रेनिंग किया करते थे। हेड अदर जल्दी से नितिन की तरफ पलटे और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संत असन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर उन सभी लेखों को सही किया था? हेड अदर का चेहरा और पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा और कांपने लगा, उनका पूरा बदन ठंडा होने लगा था। अब उन्हें अपने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था क्योंकि वह सेवन स्टार मास्टर टीचर थे और होंगयान मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर कबीर के ऊपर इतनी आसानी से जाने के लिए और उसके मामले के बारे में कोई सोच विचार ना करने के लिए नितिन को वो पनिशमेंट देना चाहते थे ताकि उसे चेतावनी दी जा सके कि नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी। वह तो यहाँ पर नितिन को सबक सिखाने के लिए आया था, लेकिन सामने वाला उसको एक के बाद एक झटके दिए जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ में हो क्या रहा है, क्योंकि अब उसने फिर से एक और बार उसको एक और झटका दे दिया था। हेड अदर तो अपने मन ही मन में सोचने लगा, अरे आखिरकार एक के बाद में एक झटके क्यों दिए जा रहे हैं? मैं कोई भी चीज का कोई भी काम बनाने लगूं तो उसके अंदर ये नितिन आ जाया करता था। पहले मैंने योगदान पॉइंट्स की बात करनी शुरू की तो ये 1,00,000 से अधिक योगदान पॉइंट्स को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, और अब मैं उस सेंट एसेंस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहा हूं तो ये वहां पर भी बीच में आ गया। आखिरकार नितिन तू मेरे से चाहता क्या है? हेड अदर अपने मन ही मन में सोच रहे थे, क्योंकि सेंट एसेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लेख लिखे हुए थे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया था जो उनके अंदर कोई भी गलती निकाल पाए, लेकिन इस व्यक्ति ने गलती निकालने की जगह उसके अंदर सोचने का विचार भी किया। लेकिन इस व्यक्ति ने उस सेंट एसेंस प्लेटफॉर्म के सारे लेखों को अच्छे से समझ लिया और उसके अंदर गलती निकालने में कामयाब हो गया। आखिरकार ये व्यक्ति आया किस दुनिया से है? और यहाँ देखो, मैं ही इसका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आया था, अब खुद का ही मजाक बनाकर बैठ गया हूँ। हेड आदर्श ने तो ऐसा सोचा था कि जिस व्यक्ति ने सेंट एसेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर मास्टर सेक द्वारा लिखे गए लेखों के अंदर जो गलतियां निकाली है वह संत लेवल स्टेज 3 या स्टेज 4 का कोई लड़ाकू होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक नवजात संत लेवल का एक लड़ाकू होगा जिसको सबक सिखाने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए उसने अभी भी उसको लेक्चर दिया था। उसे वह समझा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। साफ साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि नितिन ने आज जो हेड अदर्स को झटके दिए हैं आजकल जिंदगी में किसी ने उसको इतने ज्यादा झटके नहीं दिए होंगे। नितिन ने सिर हिलाते हुए सभी को कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आखिरकार मास्टर सेक भी तो एक इंसान ही थे, तो गलतियां तो इंसानों से ही होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे नितिन ने ये सभी शब्द कहे अचानक से सबके चेहरे का रंग उड़ गया और सब अपनी जगह पर जम से गए। अचानक से हेड अदर्स ने अपना हाथ उठाया और चारों में एक शील्ड बना दी ताकि अंदर की ये सभी वर्ड्स बाहर नहीं जा पाए। फिर नितिन के कानों के अंदर एक आवाज आती है, प्रिंसिपल नितिन
आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मास्टर शेख हमारे दुनिया के टीचर हैं, तो आपको उनके बारे में ऐसा कुछ भी कहने के पहले एक बार सोच लेना चाहिए। यह देखते हुए कि उनका प्रिंसिपल नितिन इन सभी बातों से अनभिज्ञ था कि उसको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, हेड उत्कर्ष ने जल्दी से टेलीपैथी द्वारा नितिन को समझाया, क्योंकि इस दुनिया के अंदर मास्टर शेख को एक अलग ही दर्जा दिया जाता था, उसको भगवान की तरह माना जाता था, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता था। नितिन ने चिंता से अपना सिर खुजलाया। उसे अचानक याद आया कि इस दुनिया के अंदर मास्टर शेख को एक अलग दर्जा दिया गया है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति कोई भी मास्टर टीचर मास्टर शेख के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता था। लेकिन नितिन की भी इसमें कोई गलती नहीं थी, जिस दुनिया से वो आया था उस दुनिया के अंदर किसी को भी इतनी ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी, चाहे से वह उससे ऊंचे रैंक का ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल के तो स्टूडेंट भी टीचर को कोई सम्मान नहीं दिया करते थे। और यदि नितिन यहाँ पर इस दुनिया के अंदर मास्टर शेख के बारे में किसी और के सामने ऐसा कुछ कहते हुए पाया गया तो साफ साफ उसकी मौत थी, क्योंकि कोई भी मास्टर टीचर मास्टर शेख के बारे में नहीं सुन सकता था, वो भी ऐसे अपमानजनक शब्द तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नितिन भी समझ सकता था कि वो एक अलग रैंक के ऊपर थे, जैसे कि इंद्रसेन उसको भी एक अलग रैंक के ऊपर माना जाता था, जिसके कारण उसके बारे में कोई भी जानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने गलती से भी इंद्रसेन को परेशान किया और वो नाराज हो गया तो इनके ऊपर एक संकट आन पड़ेगा। सभी बातों को सोचने के बाद में नितिन को समझ में आ गया था कि भविष्य में उसको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी जहाँ पर वह इस तरह के वर्ड का यूज करे, उसे अपने से सीनियर का सम्मान करना होगा, तभी वह इस दुनिया के अंदर जीवित रह पाएगा। फिर नितिन ने सभी से कहा, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए, इसे आप लोग दिल पर ना लीजिएगा। लेकिन नितिन के पास सुनते ही हेड उत्कर्ष ने कहा, प्रिंसिपल नितिन आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और हेड उत्कर्ष के पीछे पीछे सभी हेड्स आदर्श वगैरह ने कहा, हाँ प्रिंसिपल नितिन आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप किस बारे के लिए माफी मांग रहे हैं, हमें आपकी बात कोई भी समझ नहीं आ रही। वहाँ पर हॉल के अंदर जितने भी लोग खड़े थे वह सभी इस तरह से जता रहे थे जैसे कि उन्होंने अभी भी कुछ सुना ही ना हो, क्योंकि वह भी जानते थे कि प्रिंसिपल नितिन को भी नाराज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और वह किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं खो सकते थे और नाराज भी नहीं कर सकते थे। उस अजीब माहौल को देखते हुए कॉम्बैट मास्टर वेदांत आगे बढ़े और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन आपके वह दो डाइट स्टूडेंट्स कहाँ पर है, रोमा और रोहन? वह दोनों भी तो ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को चुनौती देना चाहते थे और हम अब उसके लिए तैयार हैं, और जितना जल्दी वह इस एग्जाम को दे सकेंगे हम उतना जल्दी वापस से कॉम्बैट मास्टर हॉल लौट जाएंगे। हाँ ठीक है चलो चलते हैं, अब उनका परीक्षा ले लीजिएगा। फिर नितिन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और अपना सिर खुजलाते हुए कहा।